अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं मोहम्मद शुएब अख्तर और आप देख रहे हैं डेंटी नॉलेज। तो ये वीडियो ख़ास पर बच्चों के लिए होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपने क्या करना है कि अब आपकी जो छोटी स्पोर्ट की वॉच होती है, इसका आपने टाइम, डेट और डे किस तरह आपने ठीक करना है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसका अलार्म किस तरह लगाना है। लेकिन जो हमारी अलार्म वाली वीडियो होगी वो हमें सेपरेट वीडियो उसकी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसमें मैं आपको बस यही बताऊंगा कि आपने इसका टाइम, डेट और डे किस तरह ठीक करना है। तो चलो दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो इसका जो आपने डेट को, टाइम को ठीक करने के लिए, ये आपको यहाँ पर एक बटन दिखाई देगा मूड के नाम से। तो आपने इस बटन को क्या करना है, तीन बार क्लिक करना है, एक, दो और तीन। ये हमने तीन बार क्लिक किया और ऊपर ये जो सेकंड्स थे तो ये आप ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो इसके बाद आपने क्या करना है कि जब ये ब्लिंकिंग हो रहे हो तो ये यहाँ पर एक रीसेट का बटन होता है, इसे आपने एक बार क्लिक कर देना है। एक बार क्लिक करेंगे तो ये जो मिनट्स के होंगे, ये जो मिनट हैं ये ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो मिसाल के तौर पर अगर हमने टाइम करना है कि 2:55 हो गए हैं या 56 हो गए हैं, तो अब आपने आगे करने के लिए ये जो सेकंड्स हैं, ये ऊपर एक बटन होता है स्टार्ट का, इसे आप क्लिक करना है। जितना भी आपका टाइम हो, चले हम इसका कर लेते हैं कि 5 हो गए हैं 2:00। अब आपने आवर को ठीक करने के लिए ये जो रीसेट का बटन होता है, इसे एक बार दोबारा क्लिक करना है। तो ये हो गया। अब आपने दोबारा ऊपर स्टार्ट के बटन पर क्लिक करते रहना है, जितना भी आपने आवर को बढ़ाना है। मिसाल के तौर पर हमने करना है कि 2:05, तो हम एक बार इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा 2:05 हो चुके हैं। इसके बाद आपने क्या करना है कि डेट को ठीक करने के लिए क्या करना है, ये दोबारा आपने रीसेट के बटन पर, ये जो होता है रीसेट के बटन पर, आपने दोबारा क्लिक कर देना है तो ये हमारे पास डेट आ जाएगी। तो ये जो है, ये जो आप ब्लिंकिंग हो रही है, ये डेट है। मिसाल के तौर पर आप समझ लें कि अब डेट हो गई है, आज है 25 है, ठीक है, 25 डेट है। और हमारे पास जो है वो मंथ हो चुका है, 5वां मंथ है। तो हम इसको, ये जो ऊपर स्टार्ट का बटन होता है, इसको आप इस तरह क्लिक करते रहेंगे और ये 5वां महीना यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद आपने ये जो ऊपर होता है डे, कि आज डे कौन सा है, इसको ठीक करने के लिए आपने दोबारा जो है ना वो रीसेट के बटन को क्लिक कर देना है। और अब ये ऊपर, ये आप देख सकते हैं कि ये जो ऊपर डे है वो भी ब्लिंकिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो इसको आगे पीछे करने के लिए ये ऊपर वही आपने दोबारा स्टार्ट के बटन पर क्लिक करना है, करते रहना है, जो भी आपका जो भी डे हो वो आपने इस तरह कर लेना है। ये जो हमारे पास आज वेनसडे है, तो आपने वेनसडे पर चलो आपने क्लिक कर देना है। ये सब कुछ करने के बाद अब आपका ये जो टाइम, डेट है और डे है वो ठीक हो चुके हैं। इसके बाद आपने दोबारा ये जो मूड के बटन पर क्लिक कर देना है, तो आपका ये टाइम और जो डेट है वो ठीक हो जाएगी। तो ये टाइम भी हमारे पास हो चुका है, 2 गुजर चुके हैं, 2:05 हमने किया था। अब हम डेट को देखते हैं। डेट को देखने के लिए ऊपर आपने ये जो स्टार का बटन होता है, इस पर क्लिक करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने 25 डेट की थी और जो हमारा पाँचवां महीना था, तो ये हमारी जो है वो डेट भी ठीक हो चुकी है। तो इस वीडियो का हमारा पर्पज़ यही था कि हमने टाइम और डेट और डे को ठीक करना था, तो वो अब मैंने करके आपको दिखा दिया है। तो आप इस तरह आसानी के साथ अपनी इस टाइम वगैरह को ठीक कर सकते हैं। तो अब इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें आपको बताऊंगा कि आपने इस वॉच का जो है वो अलार्म किस तरह लगाना है। तो उस वीडियो को इंशाल्लाह वेट कीजिएगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और आपने इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आपने नहीं जाना, ताकि मज़ीद इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। तो अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।